हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. आई एम प्रियंका शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीपीयू. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मतलब ए सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. मतलब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो उन्हें कंट्रोल करता है. ये सीपीयू दिखता कैसे है? ये सीपीयू ऐसे दिखता है. सी, ये आपको दिख रहा है, ये मेरा एरो. सीपीयू ऐसा दिखता है. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स. परफॉर्मेंस ऑल फंक्शंस इट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र. ये कब ओपन होता है? जब कोई इसे जो भी यूज़र होता है, जब इसे इंस्ट्रक्शन देता है तो ये स्टार्ट हो जाता है. जैसे हम पावर बटन ऑन करते हैं तो सबसे पहले सीपीयू ऑन होता है. और सीपीयू में जैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड. अब मदरबोर्ड क्या होता है? ये मदरबोर्ड ये होता है. दिस इज मदरबोर्ड. सो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड है द मदरबोर्ड सर्व्स एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. जो मदरबोर्ड होता है, सीपीयू में सबसे मेन वर्क मदरबोर्ड का ही होता है, क्योंकि ये एक छोटी सी चिप होती है मदरबोर्ड, जो पूरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं. जो भी जितना भी आपको, मतलब जो भी आपको करना होगा कंप्यूटर पे, जो भी वर्क आप करते हैं, वो सारा का सारा मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग होता है. आप जब, जैसे आपने सीपीयू ऑन किया, तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो मदरबोर्ड के पास जाएगा. और मदरबोर्ड अलग अलग पार्ट्स को, जो जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उन्हें इंस्ट्रक्शन देगा. उसके अकॉर्डिंग ये जितने भी पार्ट्स हैं वो काम करेंगे. मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर नहीं ओपन हो सकता, नहीं काम कर सकता. वो एक, मतलब एक ऐसे होता है ना, बिना ब्रेन के एक ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, वैसे ही मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर वर्क करेगा. आया आपको समझ? तो ये है मदरबोर्ड. ये इस टाइप का है मदरबोर्ड. ये चिप आपको दिख रही होगी. ये तो पूरा है, ये जो भी आपको एक डिब्बा दिख रहा है ना, ये पूरा सीपीयू है, ठीक है. बट इस डिब्बे में बहुत और भी पार्ट्स हैं. बट इसमें सीपीयू जो मेन सीपीयू होता है वो ऐसा दिखता है. जो मेन जो सीपीयू है वो दिखता है ऐसा. ये जो चिप दिख रही है आपको, ये इसके अकॉर्डिंग आपको सीपीयू दिखता है. इतना सा छोटा सा सीपीयू है. इसमें तो क्या है, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं. इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं. पावर सप्लाई, फैन हो गया, वो रैम हो गई है ना, और भी, और यू, और वो मदरबोर्ड हो गया. अलग अलग इसमें और पार्ट्स हैं. इसे हम पूरा, इस पूरे बॉक्स को सीपीयू कहते हैं. पर जो मेन सीपीयू होता है वो इतना सा होता है, छोटी साइज का, जो इसके अंदर फिक्स होता है. अब हम देखेंगे सीपीयू में पावर सप्लाई जो फेन है वो कैसे वर्क करता है. पावर सप्लाई फेन होता है ना, वो क्या होता है, ये आपको देखो सीपीयू आपको दिख रहा होगा इधर. फिर इसके पास में इधर देखना आप, ये जो स्क्रीन है, ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये एरो वाला, ये जो ग्राउंड राउंड सा, जो आपको ऐसी जाली सी दिख रही है, ये इसमें होता है पावर सप्लाई फैन. जो ऑल जितने भी, इसके बिना ये सीपीयू ओपन ऑन नहीं हो सकता. जैसे आप अपना पावर बटन ऑन करेंगे तो सीपीयू ऑन होगा. और सीपीयू ऑन होते ही सबसे पहले आपका ये पावर सप्लाई फैन है वो सबसे पहले ओपन होता है. पावर सप्लाई फैन है जो सबसे पहले ओपन होता है. तो ये है, इसे कहते हैं पावर सप्लाई फैन. Okay then, thank you so much. Today's classes is over. So, see you tomorrow.
थैंक यू फॉर वॉचिंग.